सर्दियाँ सुनके ही इतनी ठंडी लगने लगती है ना। हाथ तो मानो काम करना ही बंद कर देते हैं, बस फिर पड़े रहो बेड पे और घुसे रहो रजाई में। जो लोग होते हैं ना जिन्हें उठना नहीं होता सुबह, लेकिन फिर भी अलार्म लगाते हैं क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन वो ज़रूर उठेंगे। लेकिन उनकी ये उम्मीद सर्दियों में घास चरने चली जाती है। उनको खुद पे विश्वास हो जाता है कि वे गर्मियों में तो उठ नहीं पाए तो सर्दियों में क्या खाक उठेंगे। तो वो सर्दियों में अलार्म लगाना छोड़ देते हैं और वे सरेंडर कर देते हैं खुद को। अलार्म भी बोलता है कि चलो कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन छुटकारा तो मिला इन लोगों से, रोज़ रोज़ बजाते रहते हैं मेरी। गर्मियों में तो लोग चाय पीते ही हैं, लेकिन सर्दियों में तो लोग और ज़्यादा चाय पीते हैं। इंडिया में तो चाय का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। आप में से कोई है मेरी तरह जिसे सर्दियों में या ठंडी में आइसक्रीम खाने का मन करता है? मन करता है तो कमेंट करो, बताओ मेरे को भी। ठंडी में बेड, रजाई, मोबाइल और पीने को सूप मिल जाए ना, तब तो बात ही बन जाए। और मैगी को तो कैसे भूल सकते हम। मैगी मैगी मैगी, आपको भी मन कर गया होगा ना मैगी खाने का। कभी कभी खा लेनी चाहिए, कुछ नहीं होता है। पर ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ही जाना मैगी बनाने, इससे पहले नहीं जाना, पहले वीडियो देखो पूरी। मेरे को इतनी ठंडी लगती है ना सर्दियों में कि इतने सारे कपड़े पहन लेती हूँ ना मैं। शर्ट के ऊपर स्वेटर, उसके ऊपर जैकेट और उसके ऊपर रजाई, उसके भी ऊपर कंबल ओढ़ के सो जाती हूँ, तब जाके मुझे ठंडी से आराम आता है। सर्दियों में सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है नहाना। नहाना फिर भी सही रहता है, आलस आता है कपड़े खोलते और कपड़े पहनते टाइम। मन नहीं करता नहाने से पहले कपड़े खोलने का। चलो कपड़े खोल भी लिए, फिर तो मन करता है कि बस नहाते रहो, गर्म पानी कभी ख़त्म ही ना हो। नहाते रहे पूरी उम्र और कपड़े पहनने ही ना पड़े, बस बाथरूम में बंद होकर रह जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पानी ख़त्म हो जाता है। फिर टास्क आता है सबसे डिफ़िकल्ट टास्क कि अब कपड़े कैसे पहने यार इतनी ठंडी में, पानी भी नहीं है, फिर तो पहनने ही पड़ते हैं कपड़े। नहाते टाइम जब गीला हाथ कंप कपाता हुआ शैम्पू की बॉटल की तरफ जाता है ना, तो शैम्पू की बॉटल भी कहती है, मेरे इतने करीब मत आ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। हाँ भाई, हम बर्बाद होने तो आए हैं इधर अपनी मम्मी की डांट सुन के। आ बर्बाद कर, लगा मेरी आंखों में मिर्ची। बालों से होता हुआ शैम्पू जब आंखों में जाता है ना, इससे ज़्यादा दर्द प्याज को छीलने से भी नहीं होती। प्याज का छीलना फिर भी सह लेंगे, लेकिन जो शैम्पू आंखों में जाता है ना, इतनी मिर्ची लगती है, वो नहीं सहा जाता। ऊपर से इतनी ठंडी ना कपड़े होते हैं ऊपर, फिर आंखों को साफ करो पानी से, इतनी मिर्ची लगी होती है ना। मैं तो दुआ करती हूँ दुनिया में कुछ हो ना हो, लेकिन कोई भी इंसान बाथरूम में सर्दी में ना फिसले ठंडी ठंडी टाइल पे। हड्डी तो टूटेगी ही और ठंडी लगेगी वो अलग, लेकिन सर्दियों में आई धूप का मज़ा ही कुछ और होता है। धूप कितनी अच्छी लगती है ना सर्दियों में। कपड़े सुखाओ, पापड़ सुखाओ, टैनिंग का भी डर नहीं रहता, बस सेक लो किसी न किसी तरह से धूप। सर्दियों में देर तक धूप सेकना भी लाइक। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। और सबकी फेवरेट मूंगफली, मूंगफली को कौन भूल सकता है सर्दियों में। एक बार मैं बस में बैठी थी, तो बस में मेरा पहले ही मूड स्विंग बहुत जल्दी हो जाता है। तो जैसे मैं बैठी, मैंने देखा कि मेरी सीट पे मूंगफली के छिलके रखे हुए हैं। सीट के ऊपर छिलके, सीट के नीचे छिलके, सीट के बाएं छिलके, सीट के दाएं छिलके, हर तरफ छिलके ही छिलके। मेरा इतना मूड खराब हुआ ना ये सब देख के, जहाँ पे मूंगफली खाएंगे वहीं पे छिलके फेंक देंगे, चाहे पार्क में खाएंगे या कॉलेज में या बस में, कहीं भी जो जगह इन्हें मिल जाए। इन सभी महान लोगों से निवेदन है कि वे छिलकों को लिफाफे में ही डालें, इधर उधर ना फेंकें, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठंडी में पैर गर्म होने को ही आधा घंटा लग जाता है रसाई में, पूरी बॉडी गर्म होती है पैरों को छोड़ के। तो अब चलते हैं ठंडी वाली फेक न्यूज पे। ठंड में रखा गया कुश्ती का मुकाबला, 4 फीट के आदमी ने 7 फीट के आदमी को अपने ठंडे हाथ लगा लगा के हरा के धूल चटाई। छोटे भाई ने बड़े भाई को पीठ पर ठंडे हाथ का थप्पा कर डराया। बड़े भाई ने कोर्ट में किया केस, कहा मुझे ठंडी से मार कर जमीन हथियाने की रची गई है साजिश। ठंडी में हुई ओलों की बरसात, ओलों को देखकर कौए बोले ओले 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 ओले। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। धन्यवाद, कितने सिली समाचार है मेरे।
सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल हैप्पी हार्ट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।